नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम एनम 17,000 प्लस पोस्ट वैकेंसी वेटिंग लिस्ट क्लोज नोटिस की संभावना जल्द। गोरखपुर मुख्यमंत्री जनता दरबार ज्ञापन, खाली पड़े पद नई भर्ती नई नोटिफिकेशन के साथ निकलने की बात। यूपी ट्रिपल एससी एनम 5272 नई भर्ती नई नोटिफिकेशन कब। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों यह भर्ती में अब काफ़ी लेट लपेट होता जा रहा है। इसके पहले भी बहुत सी भर्तियां आई हैं, एएनएम की भी आई हैं, फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की, जो अकेले इसमें देखिए दोस्तों कम्बाइंड है, ये कम्बाइंड भर्ती थी, कई पोस्टों के लिए थी। तो और इसके पहले जो अलग अलग पोस्ट के लिए आई थी, जैसे एएनएम के लिए, स्टाफ नर्स और सीएचओ के लिए, तो कुछ तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, लेकिन कुछ के जब समय ज़्यादा निकलता गया तो उसका फाइनली वैकेंसी ही क्लोज कर दी गई। तो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी इंतज़ार करते रहें क्योंकि समय ज़्यादा बीत गया था। ऐसे कई भर्तियाँ हैं दोस्तों, मैं आपको कितनी भर्ती की बात बताऊँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी संभावना यही जताई जा रही है, कहीं से किसी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। अभ्यर्थी अगर पहुंच भी रहे हैं तो उनसे बस ज्ञापन ले लिया जा रहा है और ठीक है कह दिया जा रहा है, और कोई जो है दोस्तों संभावना नहीं जताई जा रही है कि हाँ आपकी भर्ती पर काम चल रहा है, क्या है मैं शासन से बात करूंगा या क्या, ऐसा कुछ भी जो है आपको कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आप जाइए, आपका ज्ञापन ले लिया जा रहा है। यही कुछ हाल दोस्तों गोरखपुर मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी देखने को मिला। अभ्यर्थी वहां पर पहुंची हुई थी, जो भी अभ्यर्थी पहुंची थी दोस्तों बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद। आसपास के जो भी अभ्यर्थी, दो चार अभ्यर्थी जो भी पहुंची थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा दोस्तों, और वो लोगों ने मेहनत भी किया, ऐसी बात नहीं, ज्ञापन लेके वहाँ पर गए भी और उसके बाद जो है ज्ञापन उनका लिया भी गया, लेकिन कुछ बताया नहीं गया कि हाँ आपका इस भर्ती पर काम चल रहा है और हाँ हम आगे शासन को जो है शासन स्तर से आपकी बात को वहाँ पर भेजेंगे, एनएचएम हेड ऑफिस में ये बात हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बस ज्ञापन ले लिया गया, ठीक है आप जाइए। अरे उस मैटर, उस ज्ञापन में क्या लिखा गया है उसको तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, अगर अपने हाथ में वो ज्ञापन ले रहे हैं वो देखना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि बेटा क्या समस्या है कैसे। लेकिन दोस्तों इतनी भीड़ थी वहाँ पर, लास्ट में इन लोगों का नंबर आया, पहले तो नंबर आया नहीं लोगों का, लास्ट में नंबर आया, तब भी जो है लाइन में ही लोग रहे, ये लोग इनको बकायदा जो है जो भी जैसा भी समय मिला मुख्यमंत्री जी दिए, लेकिन कोई ठोस आश्वासन इनको नहीं मिला कि हाँ वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। अब दोस्तों रही बात ये है कि जो खाली पड़े पद होते हैं, जब समय ज़्यादा बीतता जाता है तो वैकेंसी को क्लोज कर दिया जाता है, वो जो है वैकेंसी उतने दिन के लिए ही रहती है, क्योंकि यह भर्ती आप लोगों की लास्ट जो है 2021 की है, 22-23-24 आप पकड़ लीजिए, देख ही रहे हैं 21-22 जो भी है दोस्तों, नियर अबाउट आपके जो है 2-2.5 साल 3 साल नियर अबाउट जो भी हो रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समय बीतता जा रहा है। यह भर्ती जिस एजेंसी ने कराई थी उसका भी एक टेंडर होता है दोस्तों, इतने साल का वो टेंडर होता है, इतने साल के अंदर अगर वैकेंसी क्लियर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो फाइनली नोटिस निकाल दिया जाता है कि यह वैकेंसी फाइनली क्लोज कर दी गई है, अब जो भी खाली पड़े पद हैं वो पद जो है नई नोटिस नई भर्ती से आ सकते हैं, फाइनली आपको नहीं बताएंगे दोस्तों। और वेटिंग लिस्ट जो है दोस्तों, यह अभी तक अगर सीएचओ का देखा जाए और स्टाफ नर्स की एक भर्ती आई थी उसमें बस यही सब जो है देखा गया था कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, नहीं तो एएनएम फार्मासिस्ट का तो दोस्तों पहली बार देख रहे हैं, और लैब टेक्नीशियन का भी जो है दोस्तों ऐसे ही हुआ है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर यह भर्ती होती है वेटिंग लिस्ट तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब जब जनता दरबार लगे तब तब आप वहाँ पहुँचिए, भर्ती को संज्ञान में लाइए, नहीं तो अगर इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है वेटिंग लिस्ट क्लोज नोटिस आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के लिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के लिए जो नई भर्ती 5272 यूपी ट्रिपल एससी की लिस्ट में है वो कब तक निकलेगी अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने तरफ से प्रयास करते रहिए, सचिव जी से मिलिए और उन्हें ये बात बताइए कि सर लिस्ट में ये भर्ती है, पेट 2023 के माध्यम से कब तक ऑनलाइन इसका आवेदन नोटिस देखने को हमको मिलेगा। जैसे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आज कुछ अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं कम्बाइंड टेक्निकल की भर्ती के का फाइनल रिजल्ट जो है घोषित कराने के लिए, यह देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 4-5 अभ्यर्थी जो भी पहुँचे हुए हैं, इन्होंने
जो है वहाँ पर पहुँचे और अच्छा सराहनीय कार्य किए हैं दोस्तों। ये पिकअप भवन यूपी ट्रिपल एससी पर ही पहुँचे हुए हैं और उसके बाद ये देखिए ज्ञापन भी दिए हुए हैं, इतने लोग हैं जो 4-5 लोग हैं। तो ऐसे ही एनम अभ्यर्थी को भी जो है वहाँ पर जाकर सचिव जी से मिलना है, ज्ञापन भी देना है। सेवा में श्रीमान सचिव महोदय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर देखिए विषय दिया है दोस्तों 23 परीक्षा 2016 दिनांक 7/11/2016 समृद्ध तकनीक सेवा मतलब कंबाइंड टेक्निकल जो है रिजल्ट के संबंध में इसमें साफ साफ दिया गया है दोस्तों। सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी हो गया। मैं आप लोग को एक बार पढ़ा के दिखा दे रहा हूँ और पढ़कर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। और आप लोग जो परमानेंट भर्ती है एनएम के लिए भी ऐसे ही आप लोग आयोग पहुँचिए, वहाँ पर ज्ञापन दीजिए और ऐसे ही लेटर लिखिए। महोदय सादर अवगत करना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 दिनांक 4/11/2016 को समृद्ध तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 16/2016 की परीक्षा लगभग 6.5 वर्ष बाद मतलब छः वर्ष पाँच माह बाद 26/3/2023 को कराया गया तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल के मध्य हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा केवल अंतिम परिणाम लंबित है, लगभग 8 वर्ष पुरानी भर्ती। देखिए दोस्तों 8 वर्ष की पुरानी भर्ती है, आयोग की सबसे पुरानी लंबित भर्ती यही है, होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिससे छात्र मानसिक अवसाद की स्थिति में है। अतः आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त विज्ञापन का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र उपलब्ध कराकर नियुक्ति की कार्रवाई जल्द से जल्द कराने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, ससम्मान धन्यवाद। देखिए दोस्तों इस तरह से कंबाइंड टेक्निकल के अभ्यर्थी अंतिम परिणाम के लिए, सबसे पुरानी भर्ती है दोस्तों 2016 की, 8 साल नियर अबाउट हो गए हैं जो अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। देखिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आज की दिनांक दिया गया है 23 और रिसीविंग देखिए दोस्तों यहां पर रिसीविंग भी हुआ। ऐसे रिसीविंग कराइए, जितने लोग जाइए यहाँ पर जो है अपने साइन करिए, साइन ऐसा करिए जो पढ़ने में आए दोस्तों, अच्छा रहेगा। और इसके साथ में दोस्तों ये जो अभ्यर्थी गए हैं इन लोगों को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और 5272 जो भर्ती आएगी दोस्तों, आना तो तय है दोस्तों, क्योंकि इनके प्रोटोकॉल में है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 23 के माध्यम से है, 2023 के माध्यम से। तो इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो लखनऊ के आसपास के हैं वो जाएं सचिव जी से मिलें, और अगर आप नहीं भी मिल पा रहे हैं तो एक डेट इसमें फिक्स हो रही है धरना प्रदर्शन की, 5 अगस्त को। 5 अगस्त को दोस्तों धरना प्रदर्शन का डेट जो है आ रहा है और अभ्यर्थी पहुँच भी रहे हैं। लगभग अभी तक जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में लगभग नियर अबाउट 25-30 लोग हो गए हैं, लेकिन जहां तक संभावना जताई जा रही है 100-150 अभ्यर्थियों के आने की। अगर उसमें आप लोग भी आ जाएंगे पंपलेट वगैरह लेके 5272 पद एनम परमानेंट भर्ती के लिए, तो हो सकता है जल्द से जल्द आप लोग को भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। जितनी भी एनम बहन हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 अगस्त को सुबह 9 बजे पिकअप भवन पहुँच जाएँ पंपलेट और बैनर के साथ में। मैं अभी से आप लोग को बता रहा हूँ डेट क्लियर हो गई है, 5 अगस्त को दिन सोमवार है, सुबह 9 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना रहेगा। कंबाइंड टेक्निकल के अभ्यर्थी के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हो सकता है वहाँ पर मीडियाकर्मी इस समय देख रहे होंगे दोस्तों, आज तक के जो मीडियाकर्मी सलभ श्रीवास्तव सर जी हैं काफ़ी जो है बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जेई 2018 की भर्ती था उसमें भी अभी कल आप लोग देखे होंगे मुख्य सेविका की जो भर्ती के लिए अभ्यर्थी पहुँचे थे कोर्ट केस जो है हटवाने के लिए, वहाँ पर भी जो है सलभ श्रीवास्तव सर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मीडियाकर्मी पहुँचेंगे तो आपकी बात जनता तक पहुँचेगी, जनता देखेगी कि हमारे बच्चों के साथ सरकार क्या कर रही है, तो सरकार उसी तरह उचित न्याय जो है आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में करेगी, क्योंकि जनता तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे के साथ सरकार आयोग क्या कर रही है, कैसा निर्णय कर रही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।